अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन को। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ आज हम कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, कॉजेज को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को, फीचर्स को देखेंगे, बिकॉज दैट के हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि डेप्रिसिएशन है क्या। देन फिर हम उसके मेथड, सम ऑफ योर डिजिट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इन सब मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन ये किस पे आती है? एक तो आती है फिक्स्ड एसेट्स पे। एसेट्स हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, कोई प्लांट है, आपकी गाड़ी है, कार है आपके पास, ये सब क्या है, आपके एसेट्स हैं। इसकी जैसे जैसे वैल्यू में कमी आती है उसको हम ये कहते हैं कि ऐसे डेप्रिसिएट होना शुरू हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर किसी और काज की वजह से जब उसकी वैल्यू में कमी आती है या वो चीज़ आउटडेटेड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, न्यू मार्केट में चीज़ आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एसेट जो है हमारा ये डेप्रिसिएट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअली आर परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम एनी काज। किसी भी वजह की वजह से एसेट्स की, एसेट्स कौन से हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आप यही माइंड में रखें कि फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करें। एसेट्स की में जो ग्रेजुअली या फिर परमानेंट, आहिस्ता आहिस्ता से या फिर परमानेंट, परमानेंट कैसे हो सकती है, कोई आग लग गई, कोई भी डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से एकदम से उसकी सारी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। इस वजह से अगर आपका एसेट्स खत्म हो जाता है तो उसको हम ये कहते हैं कि ये डेप्रिसिएट हो गया, ये कम हो गया। अगर हम बात करें तो उसको ये भी कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम आर एनी एब्सोल्यूट काज, किसी भी और काज की वजह से जो है वो इसमें कमी वाक्य होना, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है एसेट्स का। एसेट्स हम किस एसेट्स की बात करें, हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स, ओनली फिक्स्ड एसेट्स, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। किस पे डेप्रिसिएशन होगी, मशीनरी पे होगी, प्लांट पे होगी, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसा एसेट जिसको मैं टच ही नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये टेंजिबल एसेट्स नहीं है, ठीक है। पहली बात तो आपने ये अंडरस्टैंड करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड एसेट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स अक्वायर्ड नॉट फॉर सेल, ऐसे एसेट जो सेल के लिए नहीं यूज होते, परमानेंट आपके पास मौजूद होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे हेल्प्स टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। और फिक्स्ड एसेट ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो आपको एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रेवेन्यू जनरेट करके दें, फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेट करके दें, या उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, ये इसको हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स पे आती है उसको बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन हुई है। फिर हमारे पास होती है अमोर्टाइजेशन और एक होती है डेप्लिशन, ये भी फिक्स्ड, ये देखें ना, हमने बात की थी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास एक टेंजिबल एसेट्स आते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं, तो ये समझ लें कि ये वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अमोर्टाइजेशन किसको कहते हैं, ये भी एक डेप्रिसिएशन ही होती है लेकिन नाम डिफरेंट है। किस वजह से, बिकॉज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये कौन से हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट जो डेप्रिसिएशन, और ये कौन से हैं, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते। कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर, समझ लगी बात की, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूज तो हो रहा है और वो आपको एक साल से ज्यादा टाइम के लिए वैल्यू भी है उसकी, 5 साल तक वो चलेगा या 10 साल तक आपके सिस्टम को वो चलाएगा, उसकी वैल्यू है, लेकिन क्या हो गया, वो आउटडेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक्सपी विंडो पहले आती थी, आप देखें विंडोज चेंज होना शुरू होगी माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। इसी तरह पुराने सॉफ्टवेयर नए आना शुरू हो गए, वो आउटडेटेड होना शुरू हो गए, उसकी वैल्यू 5 साल तक थी, उसके बाद वो खत्म हो गई। तो क्या हुआ, ये भी कौन से एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं लेकिन फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि सॉफ्टवेयर इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बता दी। इस पे जो डेप्रिसिएशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन, उसका नेम बदल जाता है, उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन, क्लियर। फिर हमारे पास होती है डिप्लेशन। डिप्लेशन किसको कहते हैं, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, कोल, एटसेट्रा। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, कुदरती जो भी वसाइल हैं हमारे पास, जस्ट लाइक पानी है हमारे पास, ऑयल है, गैस का जखीरा है हमारे पास, ये कौन से हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ये तो नहीं है ना कि जितने एक जगह से आपने गैस निकालना शुरू की वहाँ पर गैस आई जा, वो कम हो रही है, उसका रिसोर्स कम हो रहा है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारी कमी आएगी उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन कहते हैं।
क्लियर हो गया है, ये सारी डेप्रिसिएशन ही, लेकिन उसके नेम डिफरेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज पे जो आएगी उसको हम डेप्रिसिएशन डेप्लिशन कहेंगे। अमोर्टाइजेशन सॉफ्टवेयर्स पे जो इसको हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल एसेट्स पे, और ये टेंजिबल एसेट्स पे हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। होप्स हो कि आपको डेप्रिसिएशन की तो समझ आ गई होगी कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। अभी हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट। जो डेप्रिसिएशन का फीचर है कि ये वैल्यू में डिक्लाइन आ जाता है, इसके जो बुक वैल्यू में डिक्लाइन आ जाता है। सपोज करें आपने 10 लाख रुपए का एक एसेट खरीदा था, ठीक है, 10 लाख रुपए का आपका एक एसेट है। अब वो 5 साल गुजर गया, उसकी 5 साल लाइफ थी, वो 10 लाख का रहा ही नहीं है, ठीक है, वो रह ही 1 लाख का गया, ये सब स्क्रैप का रह गया, 50,000 का रह गया। तो आपकी बुक वैल्यू में वो एसेट जो है वो डेप्रिसिएट हो गया। ये नहीं है कि उसकी अभी भी वैल्यू 10 लाख ही होगी, ठीक है। तो ये इसका पहला फीचर है कि डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू, कि उसकी जो बुक वैल्यू है, ओरिजिनल प्राइस है, उसमें वो डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है और हम उसको उतना ही कंसिडर करते हैं जितने की वो एक्चुअल रह चुकी होती। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये नहीं है कि एक साल डेप्रिसिएट होगा एसेट और अगले साल बिल्डिंग जो है वो डेप्रिसिएट नहीं होगी, उसमें कोई कमी वाकया नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो अगले साल भी उतनी ही डिक्रीज होगी, उतना ही उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंसिस, इसके लिए कोई भी कैश एक्सपेंसिस नहीं पे किया जाता, नॉन कैश है। मीन्स आपने बिल्डिंग एक दफ़ा ले ली, वो हर साल उसमें कमी वाकया हो रही है तो वो डेप्रिसिएट हो रही है, कोई आपको कैश नहीं पे करना पड़ रहा, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है। इट इज़ एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब कि अब कॉस्ट जो है ये खत्म हो चुकी है, ज़ाया हो गई है, लेकिन जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट करते हो तो आपको इस डेप्रिसिएशन को अपनी इनकम में से माइनस करना होता है, क्योंकि आपने उस पर टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम पे। तो टैक्सेबल इनकम को हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन फ्री होती है, उसमें से डेप्रिसिएशन हम निकाल देते हैं ताकि एक्चुअल मैयर जाएँ और आप कम टैक्स पे कर सको, समझ लगी बात। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपायर्ड कॉस्ट है, इसको अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर देना चाहिए। ओनली यूज फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है ये सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज की जाती है, बाकियों के लिए नेम डिफरेंट है, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन है। देन टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, देर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट प्रॉपर प्रॉफिट, अगर आप प्रॉपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हमने एक साल में अर्न किया है, तो आपको डेप्रिसिएशन को उसके एक्सपेंस के साथ माइनस कर देना है कि एक साल में मेरी बिल्डिंग में इतनी कमी वाकया हुई है, ये मेरा एक्सपेंस था, हमने निकाल दिया, तभी आप एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे। अगर नहीं, वरना तो आप ये कहोगे मेरा एसेट अभी भी 5 लाख का है जबकि वो 4 लाख का रह चुका है, ठीक है। टू शो द एसेट्स एज इट्स रीजनेबल वैल्यू, इसका एक और ऑब्जेक्टिव यह है कि हम एसेट्स को उसकी रीजनेबल प्राइस पे, अब वो उसकी कीमत अगर एक एसेट की 5 लाख की बजाय 5 लाख का आपने बाय किया था, वो 4 लाख रह गई है, तो आपको 4 लाख ही शो करवानी है, रीजनेबल प्राइस पे शो करवाना है, ये नहीं कि वो 5 लाख ही शो करवाई जाओगे, ठीक है। टू प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेप्रिसिएशन जो है आपके हर साल, जैसे 1 लाख रुपए की इसकी लाइफ है 5 साल, ठीक है, तो ये हर साल 1 लाख रुपये डेप्रिसिएट हो रही है, ठीक है, तो अब वो जो 1 साल डेप्रिसिएट हो रही है, आपने वो अपनी डेप्रिसिएशन अपने पैसों में से 1 लाख रुपये साइड पे कर दिया, 2 लाख 3 लाख, ताकि जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो आपके पास 5 लाख रुपये सेव होता है ताकि आप नया एसेट खरीद सको उससे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट भी कहते हैं। टू मेंटेन द ओरिजिनल मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट, आप अपनी ओरिजिनल मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट को शो करने के लिए भी डेप्रिसिएशन को यूज़ करते हैं ताकि उसको माइनस कर देते हैं, आपको एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाती है मॉनिटरी टर्म्स के अंदर। फिर है प्रोविजंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व्स इन द सम, रिजर्व्स इन द सम इंसिडेंटल एडवांटेज। ओके, सबसे पहले तो बात करेंगे प्रोविजंस की, जो मैंने आपको बता दिया। प्रोविजन कहते हैं कि आप जो डेप्रिसिएट हो रहा है ना एसेट आपका, तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हो एक अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, कि आप हर साल अपना अगर 1 लाख के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप उस 1 लाख को साइड पे करते जाते हो हर साल 1 लाख रुपया, ठीक है, वो आपके प्रोविजन अकाउंट में जमा होते रहते हैं। इन केस अगर कभी कोई लॉस भी होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई डैमेज होता है, तो आपके पास वो पैसे पड़े होते हैं जिससे आप अपना नया एसेट्स खरीद सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी ये डेप्रिसिएशन आपको हेल्प आउट करती है। ये बेसिकली उसके थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन।
कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे पास दो तरह की उसकी टाइप्स आ जाती हैं, एक इंटरनल कॉजेज हो सकती हैं और एक एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से डेप्रिसिएशन हो सकती है। नंबर वन हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कॉज। व्हाट इज इंटरनल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट द वियर एंड टीयर। व्हाट इज वियर एंड टीयर? वियर एंड टीयर का मतलब होता है जब आप किसी एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट को यूज करते हो तो यूज करने में उसमें कमी वाकया होती है, वो डिक्लाइन होता है, वो खराब होता है, जो खराब होने की वजह से उसकी प्राइस में डिक्लाइन आ जाता है, कमी वाकई हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वियर एंड टीयर हो गया। कंटिन्यूस यूज की वजह से एक एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना, उसको हम क्या कहते हैं वियर एंड टीयर हो जाना। मतलब फाड़ दिया हमने कोई एक एग्जांपल के तौर पे ले लें आप कि आपकी गाड़ी थी, वो आपने उसको यूज कर उस पर जो है वो स्क्रैच आना शुरू हो गया, वो उसका शीशा टूट गया। अब ये क्या है? ये वियर एंड टीयर है यूज करने की वजह से उसके आ गए। फिर हमारे पास है डिसयूज। डिसयूज की वजह से भी हमारे पास जो डेप्रिसिएशन होती है, डिसयूज क्या है कि आपके पास एक एसेट पड़ा, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, आप यूज नहीं भी करेंगे तब भी वो डेप्रिसिएट हो जाएगा। उसकी लाइफ 5 साल है तो वो जैसे जैसे उसकी लाइफ गुजरती गई, 10 साल है तो 10 साल, जैसे जैसे लाइफ गुजरती जाएगी वो डिसयूज होता जाएगा। डिसयूज ना मतलब यूज ना होने से उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, वो खत्म होता जाएगा एसेट जो है वो। फिर है रिड्यूस डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस हो जाए तो तब भी उसकी वैल्यू बेकार हो जाएगी, वो तब भी डेप्रिसिएट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक प्लांट पे बहुत सारी प्रोडक्शन कर रहे थे, अब जो प्रोडक्शन आप कर रहे थे उसकी डिमांड कम हो गई, डिमांड खत्म होगी, वो प्लांट चल ही नहीं रहा तो वो पड़ा पड़ा जो है वो डेप्रिसिएट होना शुरू हो गया, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, उसकी वैल्यू जो है वो खत्म होना शुरू हो गई। इस वजह से भी जो है वो हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन होती है। चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चेंज आ गया, मीन्स टू से दैट कि जितनी प्रोडक्शन हम करते थे अब हमारी उतनी डिमांड ही नहीं है, लोगों की नीड ही नहीं है, तो अब वो जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगी, तो भी प्रोडक्शन ना होने से, फजूल में पड़ा रहने से एक प्लांट है, एक मशीनरी है, वो यूज़ ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं होती, तो उस ना होने से भी उस पर जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाती है, डिक्लाइन आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है, न्यू प्रोडक्ट भी आपकी बेकार हो जाती है, पड़ी पड़ी वो गल जाती है, सड़ जाती है। सो वी कैन से दैट कि चेंज इन प्रोडक्शन के अंदर भी हमारी जो है वो डेप्रिसिएशन हो जाती है। टेक्निकल प्रोग्रेस, हमारे पास पुराना सॉफ्टवेयर है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, हम पुराने वक्त का हमारे पास वो सिस्टम है, तो अब आपके पास 10 साल का पुराना सिस्टम जो है वो अगर आप ये कहो कि आज भी वही चलेगा तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट द टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से हमारी चीज नहीं, न्यू भी होगी तो भी उसके अंदर जो है वो डिक्लाइन आ जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। बेसिकली डेप्रिसिएशन है कि उस चीज की वैल्यू में कमी आ जाना, बेशक वो न्यू क्यों ना हो। सपोज ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिप्लेशन, मैंने आपको बताया डिप्लेशन यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज में, तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियस बात है कि हमारा इंटरनल कॉज है, वो जैसे जैसे हम यूज करेंगे वो खत्म होते जाएंगे, वो डिक्रीज होते जाते हैं, उनमें कमी वाकया होती जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उस चीज में कमी आती जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि एसेट्स मे डिक्रीज इन द पैसेज ऑफ टाइम इवन इट इज नॉट यूज, अगर वो यूज में नहीं है तो भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर एग्जांपल भी दिया मैंने, एक पेटेंट लिखा है, कॉपीराइट लिखा है, आपके पास पेटेंट राइट्स है कि कोई भी बंदा जो है वो आपकी प्रोडक्ट को ऐसे आपकी इजाजत के बगैर, ऑनर के बगैर ना सेल कर सकता, ना परचेज कर सकता, ना प्रोडक्शन कर सकता, आपके पास कुछ राइट है कुछ चीजों के, कॉपीराइट है आपके पास। ठीक है, तो अब अगर उसकी वैल्यू या उसकी लिमिट जो है वो 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स के बाद वो उसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, आपके पास वो राइट चला जाएगा, तो मींस आपने उसको नहीं भी यूज किया तो भी उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से भी ये हमारे पास आता है, ये एक्सटर्नल रीजन है। एक्सीडेंट हो जाना, आपकी बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट है कोई, वो एक्सीडेंट हो जाए अगर एसेट का, तो इसका मतलब वो उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। एसेट्स मे बी डिस्ट्रॉयड बाय अबनॉर्मल रीजन सच एज फायर, अर्थक्वेक और फ्लड। फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या फायर लग जाए, आग आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का इंसिडेंट आपके साथ हैपन हो जाए तो वो एसेट जो है वो खत्म हो जाता है। अब ये एक्सटर्नल कॉज है, ना तो हमने उसको यूज किया ना कुछ किया, अब वो एक्सटर्नली कोई जो है नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से या नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या हुआ, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो हमारे एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी वो सब खत्म होगी, तबाह होगी, तो इस तरह भी वो वैल्यू उसकी जो है वो डिक्लाइन और खत्म हो जाती है। उसके बाद है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलेसेंस लिखा है, ऑब्सोलीट होता है, इसका मतलब मींस आपका सिस्टम जो है वो आउटडेटेड हो गया, फैशन आउटडेटेड हो गया, इवन न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, वो बेकार हो जाएंगी, वैल्यूज की डिक्लाइन हो जाएगी। चेंज इन द फैशन आर एक्सटर्नल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग आउट ऑफ द एसेट इवन
इफ दोज आर नॉट इज इन गुड कंडीशन। ऐसे एसेट जो एक अच्छी कंडीशन के अंदर भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल उनकी कंडीशन बिल्कुल न्यू है, आपको ब्रांड न्यू आपके ड्रेसेस हैं लेकिन फैशन ओल्ड हो गया, वो लोग पहनते ही नहीं है, समझ आ रही बात की? आप भी मार्केट में जाते हैं, कुछ पुरानी चीज नहीं आ रही, ये आउटडेटेड हो चुकी है, ये फैशन नहीं है इसका, न्यू ड्रेस है बिल्कुल, न्यू चीज पड़ी है, बट आप उसको यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप हालांकि वो न्यू पड़ी है उसके बावजूद उसकी वैल्यू में कमी आ गई है, लोग उसको बाय ही नहीं करते, ठीक है, तो वो स्क्रैप हो जाती है, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि ऑब्सोलीट हो जाती है जो भी, तो ये भी एक एक्सटर्नल कॉज होती है, डेप्रिसिएशन की वजह बनती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मेजरमेंट करने में डेप्रिसिएशन को कौन कौन से फैक्टर्स यूज हो सकते हैं? नंबर वन इज दैट टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। हमें सबसे पहले जब भी हमने डेप्रिसिएशन को मेजर करना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स होनी चाहिए, दूसरा नंबर पे यूजफुल लाइफ कि वो एसेट्स जो है वो कितने साल तक चलेगा, 10 साल तक, 5 साल तक, 20 साल तक, यूजफुल लाइफ उसकी। फिर रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, जब एसेट्स की लाइफ पूरी हो जाती है तो वो कबाड़ के या स्क्रैप के भाव जो है वो बिकता है या सेल हो जाता है, वो जीरो वैल्यू होती है, सम टाइम वो कुछ दे जाता है, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, इसको साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। साल्वेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि जब आप एक पुरानी चीज़ देकर नई चीज़ खरीदते हैं, बायर और सेलर का जब आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है तो वो किसी ना किसी बात पर एग्री हो जाते हैं, अच्छा ये चीज़ दो इतने पैसे मैं आपको इसके देता हूँ, न्यू चीज़ के लिए आप मुझे और इतने पैसे दे दो, तो हम ये प्रोडक्ट को इस तरह से एक्सचेंज करते हैं, तो उसको साल्वेज वैल्यू कहते हैं। ये सेम होती है, रेजिडुअल वैल्यू आए, स्क्रैप आए, साल्वेज आए, आर द सेम थिंग्स, ठीक है। और इसके बाद इसमें मेंटेनेंस भी आ सकता है, ठीक है, मेंटेनेंस ये भी एक माइंड में रखिएगा कि मेंटेनेंस ऑफ द एसेट्स जो होती है वो आ सकता है, न्यू कुछ भी उसकी लाइफ के दौरान अगर आप उसमें कुछ इनोवेशन करते हैं तो वो भी उसी के अंदर इंक्लूड हमें करना पड़ता है इसके मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन में, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम मेथड्स की बात कर लेते हैं, जो जो मेथड्स हमने डेप्रिसिएशन के अंदर डिस्कस करने हैं, उनमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को आप जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, आपने बहुत ज़्यादा लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन नाम से अवेयर होंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड वो भी करेंगे, वो कह लें या उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह लें। फिर हम करेंगे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। फिर हमारे पास है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसका ही जो नेक्स्ट लेवल है वो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। फिर हमारे पास है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये भी, ठीक है। ये जो है ना, ये जो मेथड मैंने आपको चार बता दिए, ये हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा यूजेबल होते हैं और एग्जाम में भी इनके क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम जो है वो करेंगे और बाकी भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन कुछ लोग अगर उसको ना पिक करना चाहें तो इट्स अप टू यू। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मैथड या यूनिट्स ऑफ आउटपुट मैथड, मशीन और मैथड, डिप्लेशन मैथड एंड अमोर्टाइजेशन मैथड, ये सब मैथड जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने जस्ट इंट्रोडक्शन करना था कि डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, उसका कॉजेज, उसके फीचर्स और डेप्रिसिएशन बेसिकली होती क्या और हम क्यों कैलकुलेट करने जा रहे हैं और ये बेसिकली कैलकुलेट किस तरह से करनी है, ये उसके मेथड्स हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।